अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ सादिया इमाम और वादे के मुताबिक मैंने आपसे कहा था कि आज मेरी आपकी मुलाकात होगी, तो जनाब मैं हाजिर हो गई। मुझे लग रहा है मेरा कैमरा खराब जो है वो धुंधला है, तो मैं कैमरे को साफ कर दूँ। कहेंगे सारी चीज़ें सादिया भाजी को इसी वक्त याद आती हैं, लेकिन क्या करें यार, सादिया भाजी आप लोग उतनी टेक्निकल नहीं हैं जितने आप सब हैं टेक्निकल जनाब, तो इसलिए ये सारी गड़बड़ी हो जाती हैं। और आप बताइए कैसे हैं। हैप्पी न्यू ईयर जनाब, 2024 की जो सुबह है, यानी कि अब तो खैर शाम हो गई है, वो उसमें हम मौजूद हैं। और यकीनन कल आप लोगों ने 2023 को बहुत ही खूबसूरती के साथ खुदाफिस कहा होगा, उसको थैंक यू किया होगा, और आने वाले साल के लिए ढेर सारी दुआएं जो हैं वो यकीनन मांगी होंगी, विशेस की होंगी आपने। बहुत सारी अपने अंदर हम लोग जो कहते हैं ना, अपने आप से कुछ वादे करते हैं कि ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे, वसीम अब्बास सलामुअलैकुम वालेकुम अस्सलाम, तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हम खुद से वादा कर रहे होते हैं, एंड दिस इज़ सो गुड। मैंने कल आप लोगों से कहा था, बहुत सारी मैंने कल आप लोगों से बातें की थी, बहुत सारे टॉपिक्स पे हमने बात की, हमने शुक्र अदा करना सीखा था, हमने ये एहसास किया था कि जब हमारे रब का हमारा शुक्र इतना पसंद है, तो हमारे इर्द गिर्द रहने वाले लोग जो हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं, वो किसी भी सूरत में हो, वो आपके भाई बहन हो सकते हैं, वो आपके घर में काम करने वाले आपके हेल्पर्स हो सकते हैं, तो आपका हस्बैंड, आपके कोई भी रिश्ता, कोई भी ताल्लुक, उसको थैंक यू कितना अच्छा लगता होगा। तो जब मेरे रब को इतना पसंद है, थैंक यू कहा करें ताकि ज़िंदगी में खुशियाँ और दोबार हो जाएँ। बहुत शुक्रिया वसीम, हैप्पी न्यू ईयर, खुश रहो सलामत रहो। बहुत शुक्रिया वसीम अब्बास आपका, बहुत शुक्रिया आपकी इस खूबसूरत दुआ का। इस कहते हैं ना, इस दुनिया में अगर कोई सबसे चीज़ महंगी है तो वह है जनाब दुआ, और अगर वो आपको बिना किसी तरद्दुद के बिना मांगे मिल रही तो उससे बढ़ते कोई चीज़ नहीं है। बहुत शुक्रिया। आज भी मुझे लगता है बहुत सारे लोग मसरूफ़ हैं, क्योंकि मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा। जब ये मैं लाइट बंद कर देती हूँ उसके बाद ढेर सारे कमेंट्स देख रही होती हूँ, तो बड़ी आपने आने क्या आगे मेरे सराहाने खड़ी हो जाती है। इधर आया करें तो जी। अस्सलाम वालेकुम, हैप्पी न्यू ईयर। तो हैप्पी न्यू ईयर हम दोनों की तरफ से आप लोगों को जनाब। तो मीरब ने भी कल बहुत इंजॉय किया, और इन्होंने बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं हमारे पड़ोस में क्या हो रहा था, आतिशबाजी, उसको उन्होंने बहुत एंजॉय किया, पटाखे बहुत मजे के थे, एंड स्पेशली द फायरवर्क्स, दे वर सो अमेजिंग, दे वर ब्यूटीफुल। तो उसी आतिशबाजी कहते हैं उर्दू में। खैर जनाब, तो ये आजकल की नस्ल को हमें उर्दू जो है खुद सिखानी है, क्योंकि अंग्रेजी तो स्कूल वाले काम कर ही रहे, लेकिन अगर हम इसमें माहिर हो गए ना तो कमाल कर देंगे। रदीम अंजुम, अस्सलाम वालेकुम, हैप्पी न्यू ईयर जी, हैप्पी न्यू ईयर, बहुत शुक्रिया। मौला नजर बस से बचाए, आमीन आमीन, मौला आपको भी नजर बस से बचाए। तो से खुदाफिस, खुदाफिस। ओके जनाब, अब आते हैं, बहुत सारे रेजोल्यूशन लिए होंगे, बहुत सारी बातें अपने आप से की होंगी, बहुत सारी चीज़ें खुद से डिसाइड की, ये नहीं करूँगा, अब ऐसे नहीं होगा, अब वैसे नहीं होगा, लेकिन उन सब चीज़ों में अगर कोई चीज़ कॉमन होनी चाहिए, कोई चीज़ याद रहनी चाहिए, तो वो है कि मैं अपने रब से जुड़ के रहूँगा, मैं उससे दूर नहीं हूँ, क्योंकि वो हमसे कभी दूर नहीं होता, हमसे ना कभी दूर होता है ना कभी हमें एहसास दिलाता है कि वो हमसे दूर हो। मैंने अभी थोड़ी देर पहले पोस्ट डाली थी, पता नहीं आप लोगों ने देखी या नहीं देखी, कि बहुत ही खूबसूरत अल्फाज उसके, कि वो बिना मांगे हमें इतना कुछ दे देता है, उसका शुक्र अदा करना सीखे। तो अगर वो थोड़ी बात देखे, वो हमें उतने ही दुख देता है जितना हम बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन सुख इतने देता है जिनको हम गिन भी नहीं पाते, है ना। तो उन सुखों को, उन खुशियों को एंजॉय करें अपनों के साथ, खुद के साथ, जो मैं हमेशा कहती हूँ अपने आप से प्यार करें जरा, अपने आप से प्यार करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब आप अपने आप से प्यार करते हैं ना, तो समझिए कि आपने ज़िंदगी में वो पा लिया जो वो आपसे चाहता है, क्योंकि वो अपने आप से प्यार करता है। वो कहता है कि मुझे मेरी इबादत करो, मेरे आगे सजदा करो, दुरूद पढ़ो,
और उन पर पढ़ो जिन पर मैं दुरूद पढ़ता हूँ। तो अहले बैत की मोहब्बत भी हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। शुक्र है खुदा का कि हम उस घराने में पैदा हुए कि जहाँ हमारी खुट्टी में अहले बैत की मोहब्बत है, जहाँ हम माँ के दूध की तासीर से अहले बैत की मोहब्बत लेके चलते हैं, जहाँ हम उस गोद की गर्मी से अहले बैत की मोहब्बत लेके चलते हैं। शुक्र है मेरे मालिक का। लेकिन जनाब अब तो सोशल मीडिया का दौर है, अब बहुत सारी चीज़ें सर्च की जा सकती हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें आप रिसर्च कर सकते हैं, जो आपको नहीं पता आप उनको जान सकते हैं। तो मैं चाहूँगी कि इस साल ये भी हमें करना है कि जो इन्फॉर्मेशन आपको लगता है ना कि ये इन्फॉर्मेशन मेरे पास कुछ अलग है, कुछ वो नहीं है जो मेरे पास होनी चाहिए, तो गूगल करें और देखें। अब तो पूरी पूरी किताबें जो हैं पीडीएफ के उनकी मौजूद है आपके इंटरनेट के ऊपर, तो वो आप जरूर कर सकते हैं, आप उसे पढ़ सकते हैं। बट एनीवे, कट इट शॉर्ट, आपकी तरफ आती हूँ। तो अपने इस नए साल का आगाज़ आपने कैसे किया ये तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइएगा। सुबह उठे, फैमिली को कहीं लेके गए, कहीं नाश्ता किया, या उठते ही जॉब 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 जॉब? मुझे यकीन है कि बहुत सारे ऑफिसेस खुले में हैं सिवाय बैंकर्स के, बैंकर्स की छुट्टी है है ना? तो जनाब बैंक सारे बंद हैं लेकिन बहुत सारे ऑफिसेस खुले हैं। मेरे अपने भाजी भतीजे जो है वो ऑफिसेस अपने अपने कामों पे गए हुए, तो काम भी एक इबादत है जनाब। अगर उस इबादत को हम पूरे तरीके से अदा कर रहे हैं, कोई बात मीरा खामोश ये भी कहना पड़ता है, क्या करें जनाब, क्योंकि ये भी एहसास दिलाना पड़ता है कि मम्मा लाइव जा रही है या बात कर रही है, मेरे पास कोई माइक नहीं है, मेरी वही आवाज़ है जो आप तक पहुँच रही है। लेकिन बच्चों की इन्हीं हरकतों से तो पता चलता है कि वो बच्चे हैं, वरना हम जितने ना हो जाते है ना जी। तो आज पता नहीं बल्कि कई दिनों से हो रहा है कि बड़े मुख्तसर लोगों से मेरी बात हो पा रही, वरना तो इस वक्त बहुत सारे लोग हैं जो एकदम से आते हैं और उनसे बात भी होती है, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है ये मुझे नहीं पता, लेकिन यकीनन इसके पीछे लोगों की कल की थकन भी होगी। कुछ लोग जिन्होंने इस ईव को बहुत ही शानदार तरीके से मनाया और बहुत ही इंजॉय किए अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ, और खुशियाँ मनानी भी चाहिए जरा, खुशियों को मनाते रहिए, क्योंकि हमारे पास खुशियाँ अमानत के तौर पर आती हैं, तो हमसे हिसाब भी लेगा कि मैंने ये दिन ये खुशियाँ तुम्हें अदा की थी, ये फैमिली तुम्हें मैंने दी थी, तो तुमने इस फैमिली का क्या किया। तो ज़रूर अपनी खुशियों को मनाएं, अपनी खुशियों को भरपूर तरीके से मनाएं। मैं तो हमेशा ये सोचती हूँ कि एक साल और कब हुआ, शुक्र है मेरा इंतज़ार जीत गया। अब कहते हैं ना अलजल, तो मौला के इंतज़ार में एक साल और बीत गया, बस हम उस सहकम रहे और तब कह सके जाए इलाही आमीन, इलाही आमीन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद। तो जनाब आप लोग क्या कर रहे हैं, क्या कहाँ हैं, हेलो जागो उठो जनाब, कहाँ हो सारे के सारे, कुछ पता नहीं चल रहा। लेकिन देखिए मैंने अपना वादा पूरा कर दिया, क्योंकि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि कुछ भी हो जाए मैं 1 जनवरी को तो ज़रूर लाइव आऊँगी, चाहे कुछ देर के लिए आऊँ, कुछ लम्हों के लिए आऊँ, क्योंकि अब मेरे जिम जाने का टाइम है, मुझे ये मेकअप उतारना है और अपने जिम का कॉस्ट्यूम पहन के भागना है। तो जनाब अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हेल्दी लाइफ स्टाइल को अपनाएं, और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अच्छा खाना खाएँ, कम खाना खाएँ, और एक्सरसाइज को, वॉक को अपनी ज़िंदगी में ज़रूर शामिल करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा इस दुआ के साथ, इस यकीन के साथ कि ये साल जब हमारी ज़िंदगी में नया शुरू हो, हम सब के लिए बायस रहमत हो, बायस फ़ख्र हो, और बायस खुशियों का बायस बने, और वो ख्वाहिशात जो आप सब के दिल में हैं, वो अरमान जो आप सब के दिल में है, ज़ियारात पे जाने का, कहीं घूमने फिरने जाने का, किसी चीज़ की अचीवमेंट का, किसी जॉब से दूसरी जॉब को सर्च करने का या शिफ्ट होने का, तो वो सब अरमान जायज तरीके से हमारा पूरे करता है हमारे लिए, और उसके लिए आसानियाँ पैदा करें, इलाही आमीन। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों से ऐसे ही मुलाकात होती रहेगी। एक दफ़ा फिर बता रही हूँ कि जी ये मेरा सादिया इमाम ऑफिशियल पेज है, और इसके अलावा मेरा कोई और पेज नहीं है, सो इस पर मैं ही लाइव आती हूँ और मैं ही आपके कमेंट्स का जवाब भी देती हूँ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर।